हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, और हो रहा है देखिए बहुत कितना सारा कोहरा। और हम बैठे हैं आज अपनी छत पे, बच्चे और मैं। तो बच्चे खा रहे हैं मेरे आज हाजमोले, तो ये हाजमोला दे 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 दे, बहुत ही टेस्टी है। तो ये है मेरा निक्कू, ये किसी को दे नहीं सकता कुछ भी, तो इसे लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही भूखा है ये। कौन और उसके बाद हमने लिया छत पर धूप का आनंद, और देखिए धूप बिल्कुल अच्छी सी खिली हुई है। और ये है नए साल से एक दिन पहले का, तो 31 दिसंबर का दिन है ये। और उसके बाद तो मतलब नए साल पर तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोहरा, वो धुंध सी आ गई थी। वैसे आ नहीं रही थी, 2-3 साल से यहाँ पर नहीं आ रही थी, बिल्कुल कम होती थी यहाँ पे ठंड, तो पिंजौर साइड में यहाँ बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब तो बहुत ही आ रही है। और इसीलिए मैं बच्चों को छत पे ले गई थी, क्योंकि नीचे हमारी धूप बहुत ही कम आ रही थी। और फिर उसके बाद बच्चों को धूप ताप दिखाने के बाद मैं आ गई थी नीचे। और नीचे आकर मैंने अपने किचन गार्डन की हार्वेस्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पक चुके थे थोड़े से पपीते, और मैं उन्हीं को ही तोड़ रही थी। और ये देखिए पका हुआ बिल्कुल लाल लाल सा, पीला पीला सा पपीता, 2 से 3 दिन रखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। और फूल भी देखिए मेरे गेंदे अंदर का, वहीं बहुत ही रखती हो? सुंदर सा खिल रहा है। उसके बाद ही मैंने अपनी ठीक बेटी को है, दे दिया था, और वो आई उसको स्टोर रूम में स्टोर करके, मतलब रख के ऐसे ही रख दिया, उसके बाद खुद ही पक जाता है। और फ्रेंड्स ये है दिन का टाइम, 1 से 1.5 बजे का टाइम है, तब मैं अपने बच्चों को लेकर और धूप में लेटी हुई थी, और बेटियां तो मेरी खेलने पर डटी हुई थी, वो नहीं सोती हैं। और इन बच्चों को देखने के चक्कर में फिर मैं बाहर बाहर धूप में सो गई थी, क्योंकि बच्चों को देखना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पर आंगन हमारा कच्चा है, तो इधर उधर कुछ पत्थर कंडा इस तरह से लगवा लेते हैं बच्चे अपने हाथ पैरों में, तो वही इनको बस यही एक चौकीदार चाहिए पड़ता है इनको देखने के लिए। और उसके बाद फिर आराम करने के बाद मैंने काटा था अपना जो पपीता रखा था, ये एक दिन 1 से 2 दिन पहले मैंने तो तोड़ा था वहाँ से। और अब मैंने इसको छील कर अच्छे से पहले पानी से धोकर इसको वॉश करके, और फिर मैंने इसके ऊपर वाले छिलके उतार दिए थे, और फिर दिया अपने बच्चों को खाने के लिए। बहुत ही मीठा हुआ, और अपना जो खुद का लगाया हुआ होता है कोई भी चीज़ होती है, सब्जी या कोई भी फल, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसकी मिठास और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर ये शाम का टाइम है, मैं लाई थी थोड़ी सी मेथी, जो मैं मक्की की रोटी के अंदर डालूंगी, और भारी बनने वाली है आज मेरी रोटी सब्जी। तो यहाँ मैंने अंदर इसमें तड़का तड़का लगा दिया था, जो मेरे छोटे छोटे से पहाड़ी आलू हैं, तो वही मैंने उन्हीं में छोंक लगाया था। उतनी पतिदेव भी आ गए थे, और फिर उनके लिए बनाई मैंने चाय, और ये एकदम से मेरी चाय में गिर गया था, पता नहीं क्या काला काला सा, तो वही मैंने निकाला। और तीनों चीज़ें मैंने एक साथ ही की, और इसकी कर ली थी बीच में ही सब्जी तड़कते हुए मैंने कटिंग, क्योंकि मैं इसको रोटियों के अंदर डालने वाली हूँ। और ये है मेरे आलू पपीते की सब्जी, तो एक कच्चा पपीता मैं तोड़ लाई थी, और दो थी मेरे पास गाजरें, तो वही मैंने डाला है आज, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी इसकी बनती है। अब मैं चली गई थी बाहर, तो देखी उतने में ही रात भी हो गई थी, और कोहरा देखे बिल्कुल भी, लाइट्स मतलब दिखती नहीं है,
और देखिए उतने में ही हमको जाना पड़ा अपने ससुराल। खाना खुना मेरा बन चुका था, उसके बाद ससुर जी ने फ़ोन किया कि तुम तो मुझे मिलने नहीं आते हो और मैं बहुत बीमार हूँ। तो हम सारा काम धाम छोड़कर और चले गए थे फिर मैं अपनी ससुराल। तो ये गांव में है तो वहीं हम चले गए थे, बुआ जी वहाँ पे रखी थी और ये है मेरी छोटे वाली जेठानी। तो सुबह का टाइम है ये और बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं, ये मेरी छोटे वाली जेठानी के बच्चे हैं। तो ये सुबह सुबह देख रहे थे टीवी और मेरे बच्चे भी साथ में ही देख रहे थे कार्टून, इनका आ रहा था मोगली मोगली। तो वही ये अपनी चाची के साथ बैठ कर देखने लगे और बहुत ही खुश और एक्साइटेड हो गए थे बच्चे कि फिर मुझे टाइम भी नहीं लगा शादी के बाद, मुझे कभी टाइम नहीं इतना मिला कि मैं अपने ससुराल में जाकर कभी एक भी दिन बिताऊं, क्योंकि यहाँ फिर मेरे पास बुजुर्ग थे उस टाइम पे, नाना जी थे मामा जी थे। और शादी के बाद तो 8 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और अब उनके जाने के बाद खैर मेरे बच्चे फिर बड़े हो गए हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस कारण से जा भी नहीं पाती हूँ। और ये है बड़ी वाली जेठानी और ये है इनके घर। तो ये घर तो खैर एक ही है, तो बीच में आंगन है और उस साइड राइट साइड बड़ी के हैं और लेफ्ट साइड छोटे वाली के हैं। तो दोनों आपस में खैर मिलजुल कर प्यार से रहती हैं। और ये है साथ में बाहर, ये खेतों में हो रखी है सरसों, ये सारा नज़ारा मेरी ससुराल का है। तो पहली बार ही मैं वीडियो बनाने के बाद तो पहली बार ही गई हूँ इधर, और जब भी जाते हैं, खैर मेरा हितू बहुत ही रो रहा था, वो नहीं रुक रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था इधर। और तो मुझे जल्दी से आना भी पड़ा, फिर बुखार भी हो गया था उसको इसी वजह से, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। और फिर मैंने ऊपर जाकर थोड़ी सी वीडियो की, क्योंकि वीडियो करने का भी मुझे टाइम नहीं लगा, और नहीं तो मैं आपको ज़रूर मिलवाती अपनी जेठानियों से। तो उतना टाइम ही नहीं दिया मेरे हितू ने, वो बहुत ही रो रहा था, और उसके सोने के बाद ही आई थी मैं थोड़ा सा ये व्यू कैप्चर करने के लिए। तो छत से ही किया फिर मैंने जल्दी जल्दी में, उतने में ही मेरे बच्चे को सो से ऊपर हो गया था बुखार, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा इधर, और ठंड भी बहुत है तो बच्चे इतने प्यारे प्यारे उधर भी बैठा, तो वही करने लगा वो इधर, उसे बिल्कुल भी अच्छा वो सरसों के खेत में बैठा हो। उसके बाद फिर सारा व्यू कैप्चर करने के बाद खाना खुना हम लोगों ने खा लिया था, और उसके बाद तो हम लौट आए अपने घर। कितना प्यारा है, बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा ये वीडियो। और फिर बच्चे, खैर बच्चों को तो बेटियों को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी बच्चे क्या हैं दो जेठानियों के, तो उनके साथ खेलने में क्या तो बहुत मज़ा आया। और उसके बाद लीजिए हम आ गए अपने घर लौट कर, और साथ में ही फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया था किसी का एक्सीडेंट, छोटा सा बच्चा था 15-16 साल का, तो गाड़ी को पता नहीं कैसे वो जोर की उसकी टक्कर हो गई थी और काफ़ी खून बह रहा था उसको। तो खैर ग्रामीणों ने उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, नहीं तो मैं कह रही थी पति देव से कि हम उतर जाएंगे, मैं उतर जाऊंगी बच्चों के साथ, तो आप इसको पहुंचा देना हॉस्पिटल। लेकिन उतने में आ गए थे बहुत सारे लोग और उन्होंने ही उसे पहुंचाया शायद। और ये है शाम का टाइम, तो दिया बाती का टाइम मेरा हो चुका है, तो मैंने की थी दिया बाती, और ये नए साल का वीडियो है। तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और ये है फ्रेंड्स नए साल का वीडियो। तो इस दिन पतिदेव की छुट्टी थी, घर पर ही थे, बच्चों की तो खैर छुट्टियां चल ही रही हैं। तो उसके बाद हमें बनानी है अपनी वही फेवरेट वाली डिश, तो उसी की तैयारियां हम लोग कर रहे थे। तो आज पतिदेव भी कहने लगे कि मैं ही तुम्हारे साथ हेल्प करवाऊंगा, तो उन्होंने बनाया था थोड़ा सा
उसका बैटर, तो घोलकर वो बाहर ले गए थे चूल्हे पर, तो वही बनाया मैंने। दाल पहले रख दी थी तो दाल मेरी पक चुकी है, और उसके बाद वही लगे थे आज बनाने में, और आकर पहले उन्होंने धोए थे आज कपड़े। काफ़ी काम आज तो करवाया है, नहीं तो वो उतना करवा नहीं पाते हैं। खैर करवा तो देते हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिलता इतना, और वही बैठे हैं कि मैं बनाऊंगा आज, तो थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने ही बनाई। फिर उनसे बनने नहीं लगी थी, उनसे नीचे चिपक गई थी। उन्होंने तेल घी जो भी लगाते हैं, बट हम तेल ही लगाते हैं सरसों वाला, तो वो नहीं अच्छे से लग। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।